तो गाइज कैसे हैं आप सब। मैं वीरेन रुद्राक्ष अंपायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष अंपायर पर। तो आज हम लोग खड़े हैं फेज वन न्यू चंडीगढ़ के अंदर, जो कि ओमेक्स का ही एक पार्ट है और ओमेक्स ने इसको डेवलप करा है। ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 13 न्यू चंडीगढ़ के अंदर आती है, सेक्टर 13 न्यू चंडीगढ़। और हम लोग अभी फेज वन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेज वन जो है न्यू चंडीगढ़ का सबसे प्राइम और सबसे नीच सेक्टर है और यहाँ पर अपना घर बनाना हर एक के लिए एक ड्रीम की तरह है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गार्डेनिया के फ्लोर्स के बारे में। तो गार्डेनिया के फ्लोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब हमने ये लॉन्च करा था तो उस टाइम पर बहुत 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 अच्छा इसका हमें रिस्पांस मिला था। और क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में ये फेज वन के अंदर ओमेक्स की ये लास्ट इन्वेंट्री है, इसके बाद फेज वन के अंदर ओमेक्स के पास कोई लैंड नहीं बची है, ये सारा का सारा फुलफिल हो चुका है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी इसकी काफ़ी फुल ऑन स्विंग पर चली हुई है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसमें हमारे पास 1689 स्क्वायर फीट से लेकर के आपको 2300-2400 स्क्वायर फीट तक के लगभग के साइज मिल जाते हैं। और इसमें आपकी जो कैटेगरीज हैं वो आपकी अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक जाती है, क्योंकि ये S+4 का कंसेप्ट था। और इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस स्पीड में चली हुई है। आपके जो सामने की तरफ अभी आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो आपके 1936 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, जो कि आपका जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुका है। और सामने की तरफ अब ये वाली अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कोई 2250-2300 स्क्वायर फीट के आसपास के फ्लैट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी प्लिंथ लेवल बिक चुकी है, कंस्ट्रक्शन फुल ऑन स्विंग पर चली हुई है। और अकॉर्डिंग टू रेरा इसकी जो हमने पोजेशन की जो डेट दी है, अकॉर्डिंग टू रेरा अगर हम बात करें तो इसमें 2027 तक का हमारे पास टाइम है और उस 2027 के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें पूरा प्रोजेक्ट जो है आपको डिलीवर करना है। और गार्डेनिया फ्लैट के अंदर या गार्डेनिया का जो इंडिपेंडेंट फ्लोर है इसके अंदर हमें और क्या क्या ऑप्शंस मिल रही हैं वो भी हम लोग जो है इसके सैंपल फ्लैट को जब विजिट करेंगे अभी थोड़ी देर में तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको लोकेशन का भी आइडिया हो और आसपास के डेवलपमेंट का भी। तो आप देखेंगे कि फेज वन के अंदर आपकी जो है ये लोकेशन जिसके आसपास काफ़ी सारे लग्जरी विलास वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पर आपके जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट की अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां पर 300 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट ही अवेलेबल हैं। तो यहां पर जो जेंट्री है अभी आप जो देख रहे हैं यहां पर जिस तरह की जेंट्री आपकी यहां पर मिलती है आपको वो बहुत ही पॉश है। तो यहां पर आपका मैं जैसे कि बात कर चुका हूं कि यहां पर घर लेना या घर बनाना ही आज की डेट में काफी लोगों के लिए एक ड्रीम बन चुका है। तो वो ड्रीम अभी आप पूरा कर सकते हैं अपना यहां पर अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर बुक करके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट की तरफ, देखेंगे कि इसके सैंपल फ्लैट में हमें और क्या क्या मिलता है और उसमें हम लोग क्या क्या इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं इसके सैंपल फ्लैट के सामने और हम लोग जो साइज देखने वाले हैं उसका जो साइज है 2550 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका साइज है। और अभी हम लोग जो फ्लोर देखेंगे वो अपर ग्राउंड फ्लोर देखेंगे और इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि गार्डेनिया के फ्लैट के या गार्डेनिया का जो सैंपल है उसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाली है। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से शुरू करना चाहूँगा, मतलब स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर आपको जो है पर फ्लोर दो गाड़ियों की कार पार्किंग प्रोवाइड करवाई जाती है और आपकी ये जो पार्किंग अभी आप देख रहे हैं पार्किंग भी एज इट इज रहने वाली है। हाँ ये है कि क्योंकि गार्डेनिया का प्रोडक्ट है और सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से हमारा काउंट होता है तो यहाँ की जो पार्किंग भी जो है वो बहुत लेविश और बहुत शानदार तरीके से डिजाइन करी जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर आपके प्रीमियम टाइल वर्क होगा या फिर आपका मार्बल लगाया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहां से आगे आएंगे तो अगर आप अपर ग्राउंड प्लान आउट करते हैं तो आपको अपर ग्राउंड के साथ जो है लॉन एरिया भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो लॉन एरिया है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अगर आप देखेंगे कि लॉन का जो स्पेस है वो भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका जो स्पेसिफिकली जो एक्सेस होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अपर ग्राउंड वाले के लिए होता है, इसके जो राइट्स होते हैं वो अपर ग्राउंड के पास ही होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी 25 से 30 लोगों की एक छोटी सी गैदरिंग भी कर सकते हैं, अपना यहाँ पर आपने एक ऑफिस बनाना है छोटा सा फाइब्रिकेटेड आप बना सकते हैं। और बाकी अगर आपको किचन गार्डन का शौक है ये तो आप यहाँ पर अपनी अपना किचन गार्डन भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास यहां पर ऑप्शन में। एरिया से जैसे ही हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं तो हम लोग अपने फ्लैट की तरफ जब जाते हैं तो फ्लैट की तरफ जाते हुए हमें यहां पर एक लिफ्ट दी गई है।
तो ये जो लिफ्ट है आपकी ग्राउंड फ्लोर से लेकर के आपको टॉप फ्लोर तक सर्व करेगी। जो फ्लैट अभी हम देख रहे हैं, जो फ्लोर अभी हम देख रहे हैं, वो आपका एस प्लस थ्री की कैटेगरी का है, लेकिन जो आपके गार्डिनिया के जो फ्लोर्स आ रहे हैं वो आपके एस प्लस फोर कैटेगरी के होंगे। तो आपका जो स्टेयर केस है, अगर आप देखेंगे तो स्टेयर केस भी यहाँ पर कितना ओपन और काफी वाइडर स्पेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। तो यहाँ से अगर जैसे आपके घर पे कुछ फर्नीचर का सामान है, कुछ हैवी सामान है या कुछ साइज में बड़ा है, तो आप यहाँ से इजीली उसको कैरी करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके अपर ग्राउंड की तरफ। अपर ग्राउंड पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो आपको जो है लिफ्ट तो आपको आ ही रही है, साथ के साथ ही आपको जो है यहाँ पर एक आपको स्टोर रूम भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने अपने घर का जो सामान होता है, जैसे जिसको हम लोग घर के अंदर नहीं रखना चाहते, जैसे आपके बच्चे की साइकिल होगी या फिर आपका डस्टबिन हो गया या फिर आपका झाड़ू पोछा टाइप जैसे कुछ आइटम्स हैं, वो आप यहाँ पर अपने प्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मेन फ्लैट की तरफ। तो फ्लैट में आपको अंदर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा जो, हालांकि इसके अंदर हमारा जो सर्वेंट रूम है वो आपका एज इट इज यही रहेगा, बट साइजेस के अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे कई साइज छोटे भी हैं जो कि आपके 1600 से लेकर के 2000 स्क्वायर फीट के साइज है, तो उसमें आपको सर्वेंट रूम नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो गाइज आप देखेंगे कि स्टोर आपका जो सर्वेंट रूम है इसको आप अपना एक छोटा सा ऑफिस भी यहाँ पर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसका सेपरेट वॉशरूम भी आपको दिया गया है, और अगर आपने सर्वेंट रखना है तो सर्वेंट के लिए भी एक आपको बेड लगा करके प्रॉपर दिखाया गया है कि आपका यहाँ पर इस तरीके से आप अपना बेड जो है प्लेस कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर आपको ये शो करा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट की तरफ। तो गाइज ये है आपका सैंपल फ्लैट आपका गार्डेनिया का, और जैसे ही हम लोग इस फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको जितना भी अभी आपको ये सामान लगा हुआ दिख रहा है, ये इस फ्लैट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका रिमूवेबल थिंग्स जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे कि आपके सोफे हैं, एलईडी पैनल है या फिर आपका डाइनिंग टेबल वगैरह है, जो भी जितना भी रिमूवेबल थिंग्स अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी आपका जो गार्डेनिया का जो फ्लोर है उसके अंदर आपको प्रीमियम इटालियन मार्बल दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आपको फॉल सीलिंग कंप्लीट प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपके हर एक रूम में, आपके ड्राइंग और डाइनिंग में आपको अपना एसीज वगैरह कंपनी लगा करके दे रही है, आपके लाइट पंखे एसी गीजर और आपके इनफैक्ट किचन के अंदर आपका मॉड्यूलर किचन विथ चिमनी हॉब, और साथ के साथ ही आपको जो है आरओ, ये सारा कंपनी आपको यहाँ पर पहले से लगा करके दे रही है। तो दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज है गार्डेनिया का, और गार्डेनिया के अंदर आपको जो है हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2300-2400 स्क्वायर फीट के फ्लैट की, और इस फ्लैट का जो साइज है वो आपका 2500 स्क्वायर फीट के आसपास है, 2500 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका साइज है। तो थोड़ा सा छोटा जरूर हो सकता है इससे, लेकिन हाँ बहुत कंफर्टेबल साइज है। इसमें आपका ये ड्राइंग डाइनिंग का एरिया आ जाएगा, ये आपका जैसे आपका ये ड्राइंग एरिया है, और इस ड्राइंग एरिया के साथ में आपको जो है बालकनी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बालकनी भी अगर आप देखेंगे तो काफी वाइडर स्पेस है बालकनी का, और काफी ओपन और काफी लेविश स्पेशियस बालकनी यहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम कोशिश करते हैं यहां पर हमेशा कुछ बेहतर करने की, ताकि आपको जो है एक स्टैंडर्ड मिल सके रहने का। आपको जो आपकी जितनी भी मतलब ओपन स्पेस है, यहां पर हमने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस दें, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है किस तरीके की डेवलपमेंट है, किस तरीके की ग्रीनरी यहाँ पर हमने मेंटेन करके रखी है। और ये जो ग्रीनरी आप अभी मेंटेन ग्रीनरी देख रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये जब से न्यू चंडीगढ़ बना है, ओमेक्स ने जब से इसको डेवलप करा है, तब से ये ग्रीनरी आपकी कंपनी ने एज इट इज ही मेंटेन करके रखी हुई है। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया के जस्ट एडजॉइनिंग पर आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, और फर्स्ट बेडरूम भी अगेन बहुत ओपन, काफी स्पेशियस इसमें आपको बेडरूम साइज देखने को मिलते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये बेड और एलईडी पैनल या फिर ये स्टडी टेबल इसमें नहीं है, ये बस आपको एक थीम के जरिए समझाया जा रहा है कि ठीक है आप अपने बेड को या अपने बेडरूम को ऐसे प्लेस कर सकते हैं, और आप उस बेडरूम को कुछ इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये जो बेडरूम है इसका भी जो बालकनी का जो स्पेस है वो भी आपका जो आपने बालकनी देखी होगी, तो ये वही बालकनी है जो आप देख सकते हैं, काफी ओपन और काफी स्पेशियस बालकनी है इसकी भी। और ये जो बालकनी है ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ जो अटैच थी वही सेम बालकनी है।
तो हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ, और वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पर इन्होंने आपको डिलीवर करा है। और स्पेशियस वॉशरूम से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपका जो है हर एक चीज़ जो है काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें आपको जो है ये वाला जो वॉशरूम है ये आपका ड्राइंग एरिया से अटैच है। इसको अटैच करने का मकसद ये था कि आपका जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको भी आप अपना ये सेपरेट वॉशरूम जो है वो यूज़ करने के लिए परमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ड्राइंग एरिया के साथ में ही जो है आपका डाइनिंग एरिया भी आ जाता है। तो डाइनिंग एरिया भी अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है। आपके यहाँ पर आराम से जो है 8 लोग बैठ करके अपना डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें। तो जैसे आपका पर्सनल फैमिली लाउंज भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, तो यहाँ पर ये पर्सनल फैमिली लाउंज भी है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जनरली हम लोग जो है अपना मैक्सिमम टाइम जो है आपका या तो हम ड्राइंग एरिया में कंप्लीट स्पेंड करते हैं या फिर अपने फैमिली लाउंज में। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो सेकेंड बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफी बहुत बड़ा बेडरूम है ये, मतलब बहुत स्पेशियस इसमें आपको बेडरूम साइज दिए गए हैं ताकि आपको जो है ओपननेस जैसे आपको पूरे घर में फील हो रही होगी जब भी आप इसको आएंगे विजिट करेंगे। तो मैं वैसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि गार्डेनिया के फ्लैट्स जितने भी हमने अभी तक लोगों को दिए हैं तो ये सैंपल फ्लैट दिखा करके ही दिए, और कई लोग तो इस सैंपल फ्लैट के लिए भी डिमांड करने लग जाते हैं कि ठीक है नहीं हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें सैंपल फ्लैट ही दे दो। लेकिन चीज़ एक ही है और लेने वाले बहुत हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गार्डेनिया की जो डिलीवरी है मैं आपको बता दूं कि 2027 में अकॉर्डिंग टू रेरा हमें वो प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करना है। तो गाइज इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी फुल साइज कबर्ड्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो फुल साइज कबर्ड्स हैं और कबर्ड्स में भी जो है आपको बहुत अच्छा स्पेस दिया है ताकि आपके जो कपड़े हैं या फिर आपका जो लॉन्ड्री का सामान है वो आप यहाँ पर अपना प्लेस कर सकें। बेडरूम के साथ भी जो है आपकी बालकनी अटैच है, और बालकनी भी अगर आप देखेंगे तो अगेन जैसे हमारी फ्रंट की जो बालकनी थी उसी की तरह जो है हमारी इसकी बैक साइड में जो हमें बालकनी प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस है। तो आपके पास अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए बहुत जगह है यहाँ पर इस फ्लैट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चेयर्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर प्लेस करने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आपको पता लग सके कि कितना स्पेस है यहाँ पर। और ये जो बालकनी है ये आपके किचन से भी अटैच है और आपके मास्टर बेडरूम से भी अटैच है। आपका जो वॉशिंग एरिया है वो भी हमने पीछे वाली बालकनी में ही प्रोवाइड करवाया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने वॉशिंग एरिया भी आपको जो है पीछे ही प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके किचन की तरफ। हम लोग किचन में देखेंगे कि हमारे पास इसमें और किचन में हम लोग क्या क्या लगा करके दे रहे हैं। क्या मैंने आपको इसका वॉशरूम दिखाया? नहीं, आइए मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखाता हूँ। तो हमारा जो ये जो बेडरूम है इस बेडरूम के साथ भी जो है हमारा एक अटैच वॉशरूम है। आप देखेंगे कि इसका वॉशरूम का जो साइज है ये भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस है, और जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं सारी प्रीमियम क्वालिटी की है। वॉशरूम्स के अंदर जो है आपको कंपनी गीजर भी लगा करके दे रही है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर कुछ भी अपना प्लेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है हर एक तरह से फुली पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इसके किचन की तरफ। आप किचन की बात करें तो किचन भी जो है इसका काफी ओपन और काफी स्पेशियस किचन है। आपकी दोनों साइड में जो है कैबिनेट और कबर्ड्स कंपनी लगा करके दे रही है। आपको चिमनी, हॉब, आरओ, गीजर इस किचन के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और आपको जो है हमने शो भी करा है कि यहाँ पर आपका फुल साइज जो फ्रिज है वो भी प्लेस हो सकता है, हालांकि हम लोग फ्रिज नहीं दे रहे इसमें। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है गार्डेनिया का ये कुछ उस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पर इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। तो हम लोग चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूं कि मास्टर बेडरूम ही होना चाहिए। उसकी जो लुक है वही आपको बताती है कि ठीक है ये मास्टर बेडरूम है। इस घर में आपका जो घर का सबसे जो मेन पर्सन होता है वो यहां पर आकर के स्टे करता है।
या आपके घर का जो मुखिया होता है वो यहाँ पर आकर के आपका रहता है। बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर किसी को भी दे सकते हैं ये बेडरूम। और ये आप देखेंगे कि कितना ओपन, कितना स्पेशियस ये आपको साइज है। सामने आपके जो है स्टडी टेबल्स भी कंपनी ने लगा करके दिखाए हैं, शो करें कि आपका स्टडी टेबल भी यहाँ पर लग सकता है। और इस रूम में भी आपको जो है कबर्ड्स वगैरह कंपनी लगा करके देगी। देख सकते हैं दोस्तों, इस घर के अंदर या इस फ्लैट के अंदर जो है स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप अपने घर के कपड़े या फिर अपने रजाई, गद्दे, कुछ भी आप यहाँ पर प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली जो फ्लैट्स अदर बिल्डर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो जब हम लोग दूसरे बिल्डर्स के पास जाते हैं फ्लैट देखने, तो उनकी जो कबर्ड्स होती हैं वो आपकी फुल साइज नहीं होती है। वो कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग कटौती कर सके सामान में वो कर सके, बट यहाँ पर एटलीस्ट हमारा ओमेक्स का एक स्टैंडर्ड है कि यहाँ पर आपको हर एक चीज जो है आपको प्रीमियम क्वालिटी और प्रॉमिस के साथ तो दी ही जा रही है, और हम लोग कोशिश करते हैं आपको और भी ज्यादा कुछ बेहतर देने की। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। अब वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफी अगेन अदर वॉशरूम्स की तरह जो है इसका भी जो साइज है काफी ओपन और काफी स्पेशियस इसका साइज है। और सैनिटरी फिटिंग्स के साथ साथ इसमें भी आपको जो है कंपनी गीजर लगा करके दे रही है। और अगेन आप में आप इस फ्लैट के अंदर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो ये फ्लैट देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स के अंदर, ये जो फ्लैट अभी आप देख रहे हैं और हमने जो आपको डिलीवर करना है वो इससे कई गुना बेहतर होगा, क्योंकि वो जो फ्लैट है वो आपका स्मार्ट होम की तरह आपको डिलीवर कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर आपका जो आप जितना भी आप ये जो लाइटिंग देख रहे हैं या फिर आप अपने एसीज हैं, आपके टीवी है, आपका आप अपना पूरा घर जो है अपने एक एआई से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। हो सकता है वो आपका सीरी से ऑपरेट हो सकता है वो आपका एलेक्सा से ऑपरेट हो, तो बट हाँ ये हम लोग आपको एक स्मार्ट होम की तरह बना करके देंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग जो अभी देख रहे हैं ये जो गार्डनिया जो हम लोगों ने आपको देना है, ये उससे गार्डनिया जो है इससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर हम लोग आपको बना करके देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और एज यूजुअल जैसे हम लोग जानते हैं कि ओमेक्स अपने प्रोमिसेस को हमेशा जो है कंप्लीट करता है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटीज दे सकें, आपको हमेशा कुछ बेहतर करके देने की कोशिश में हम लोग हमेशा लगे हुए। तो दोस्तों ये था आपका गार्डनिया का सैम्पल फ्लैट जो कि न्यू चंडीगढ़ के अंदर अभी हमने देखा, और इसके आसपास का एरिया का थोड़ा सा हम लोग और सर्वे करते हैं। आइए सैंपल फ्लैट से बाहर निकल के थोड़ी बाहर की भी दुनिया देखें। अभी हमने देखा गार्डनिया का सैंपल फ्लैट और उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट भी हमने थोड़ी सी ली, और साथ के साथ ही आपको आसपास का थोड़ा सा जितना हो सका मैंने एरिया दिखाने की कोशिश करी है, और पूरे फेज वन की वीडियो हम लोग फिर कभी बनाएंगे। बट फिलहाल आज जो मेरा पर्पस था आपको यहाँ पर लाने का वो ये था कि आपको गार्डनिया की जो है कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मिल सके, उसकी पोजेशन डेट का भी पता लग सके, और उसका सैंपल फ्लैट भी हम लोग देख सके। और आसपास में क्या है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पार्क अभी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नेचर पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो नेचर पार्क इसको कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊं, इसका बड़ा बहुत बढ़िया और यूनिक सा कंसेप्ट है कि इस पार्क में जितने भी आपको पौधे या पेड़ लगे दिख रहे हैं, इन पेड़ों में जितने भी आपके पेड़ हैं यहाँ पर, ये पौधे जो हैं बड़े होकर के जब ये पेड़ बनेंगे तो इन पे जैसे जब फल निकलते हैं, तो फल जो निकलेंगे वो यहाँ पर जो रेजिडेंस रह रहे हैं उनके बच्चे आएंगे, डायरेक्ट फ्रूट्स जो है वो आपके पेड़ से तोड़ेंगे और डायरेक्ट खाएंगे। तो वो कुछ उस तरीके से कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिज़ाइन करने की कोशिश करी है, तो इसलिए हम लोग इसको नेचर पार्क कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो गार्डनिया का जो फ्लैट अभी हमने देखा, नो डाउट बहुत लोगों को पसंद आया होगा और ऑब्वियसली आना भी चाहिए, इतना शानदार फ्लैट इन्होंने बनाया है कंपनी ने। तो इसकी जो कीमत है या इसकी जो प्राइसिंग है, हम प्राइसिंग की बात करना हम हमेशा भूल जाते हैं, बट आज मैं आपको खुल करके डिस्कशन करूंगा। तो इसके अंदर अगर आप जो है सबसे छोटा साइज 1689 स्क्वायर फीट से हम लोग शुरू करें तो आपका जो प्राइस है वो कोई 1 करोड़ 15 या 20 लाख रुपये से शुरू हो जाएगा, और ये जाएगा आपका कोई करीब करीब 2-2.25 करोड़ रुपये तक, डिपेंड करता है कि आप क्या साइज ले रहे हैं, कौन सा फ्लोर ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कंसेप्ट है न्यू चंडीगढ़ में कि आपका जो अपर ग्राउंड है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, आपका जो टॉप फ्लोर है वो उससे थोड़ा सा कम महंगा होता है, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उससे थोड़ा सा और कम महंगा होता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपकी जो अपर ग्राउंड की और टॉप फ्लोर की डिमांड हमेशा रहती है, पर हाँ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की भी यहाँ पर उतनी ही डिमांड होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, ये जो फेज वन है ये आपका 100 में से 90% जो है वो ऑक्यूपाइड है, 10% में आपका गार्डनिया बन गया या फिर जो कुछ खाली 1-2 प्लॉट पड़े हुए वो है। तो दोस्तों ये था
न्यू चंडीगढ़ में सेक्टर 13 मतलब सेक्टर 13 के अंदर आपका गार्डेनिया का एक विजिट, और मैं वीरेन आपसे इजाजत लूंगा, पर जाने से पहले आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट पैकेज आपको जो है हर एक चीज का बता सकूं। और हाँ, एक और चीज, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बैंक से भी लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक से जो है अपना लोन करवा सकते हैं, क्योंकि ये रेरा का रेरा से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पर किसी भी बैंक से इजीली फंडिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे इजाजत दें, मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।